आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है जिस पर दुनिया के अलग अलग देशों की निगाह टिकी है, मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध की तैयारी अब समझिए कि जोर पकड़ रही है। ईरान, इराक, लेबनन ने हाथ मिला लिया है इसराइल के खिलाफ और इसराइल को घेरने की अब पूरी पूरी प्लानिंग तैयार हो गई है। इसराइल की मदद के लिए आगे आएगा यूएस, यूएसएस अब्राहम को इसराइल भेजेगा अमेरिका, अतिरिक्त सैन्य मदद भी अमेरिका भेजने वाला है। इसराइल को घेरने की तैयारियां यहां चारों तरफ से की गई हैं। ईरान बौखलाया हुआ है, जिस तरीके से हमास के चीफ की हत्या हुई उससे पहले ईरान के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे उस मौत पर भी ईरान ऐसे ही भड़का था और इसराइल पर ताबड़तोड़ हमला भी किया था। अब ईरान, इराक और लेबनन हाथ मिला चुके हैं, इसराइल को घेरने की तैयारी है। इसराइल की मदद के लिए यूएस आगे आ गया है, यूएसएस इब्राहिम को अतिरिक्त मदद भेजेगा। और यहाँ पर आप जानकारी ऐसी है कि मिडिल ईस्ट में इस भीषण युद्ध को देखते हुए खलबली और ज़्यादा बढ़ गई है, हलचल बढ़ गई है। ईरान और इसराइल के बीच में जो बढ़ता हुआ टकराव है ये कई देशों के लिए मुसीबत ला सकता है। अलग अलग देशों की निगाह इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि अगर ये दोनों देश आमने सामने आते हैं, टकराते हैं, तो ऐसा होगा नहीं कि सिर्फ ये दो ही देश प्रभावित हों, जो ईरान के सपोर्ट में है या फिर जो इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं उन देशों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मौकों पर कह चुके हैं कि आज का जो वक्त है, जो समय है, वो युद्ध का नहीं है। युद्ध से किसी देश का भला नहीं हो सकता, इसीलिए युद्ध का रास्ता नहीं अपनाया जाए। लेकिन यहाँ जो ईरान और इसराइल में टकराव है वो युद्ध की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी रह रहकर एक दूसरे पर हमला ईरान और इसराइल कर चुके हैं। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।